अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा सबक है यस्सरनल कुरान, पेज नंबर 13। उसमें सबसे पहले हम लाइन नंबर 6, 7, 8 और 9, ये चार लाइनों का रिवीजन करेंगे। उसके बाद लाइन नंबर 10 याद करेंगे। पढ़े, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। आइए लाइन नंबर 6 से 9 तक सरसरी तौर पर रिवीजन करते हैं। अपनी पूरी तवज्जो यहाँ पे रखें और मेरे साथ उसी अंदाज में पढ़ें। पढ़ें, जिजुजा जुजाजी हु हहुही फिफुफा फुफफी ययु ययुई जिजुजा जुजाजी सिससु ससुसी मिमुमा। आइए अब हम लाइन नंबर 10 याद करते हैं। यहाँ पे देखे, मेरे साथ पढ़ेगा, मीम पेश मुँह, मीम जबर म, मीम जेर मी, मुमा मी, शीन जेर शी, शीन जबर श, शीन पेश शु, शीशा शु, शीन जेर शी, शीन पेश शु, शीन जबर श, शिशु श। आइए अब रवा पढ़ते हैं, मू म मी, मुमा मी, शी श शु, शीशा शु, शी शु श, शिशु श। आइए अब हम उर्दू का सबक याद करते हैं। उर्दू के सबक में अलिफ से सीन तक के हरूफ याद करते हैं। यहाँ पे देखे, पढ़े, अलिफ, अलिफ से अंगूठी, बे, बे से बोतल, पे, पे से प्याली, ते, ते से ताला, टे, टे से टोपी, से, से खाली, जीम, जीम से जाल, चे, चे से चांद, हे, हे से हुक्का, खे, खे से खत, दाल, दाल से दवात, दाल, दाल से डिब्बा, दाल, दाल खाली, रे, रे से रिक्शा, रे, रे खाली, जे, जे से जंजीर, और ये क्या है बच्चों, सीन, सीन से साइकिल, सीन, सीन से साइकिल, सीन से साइकिल। प्यारे बच्चों, बैतुल खला से बाहर निकलने के आदाब में एक आदाब आप लोगों ने कल पढ़ा था। आज इंशाल्लाह दूसरा और तीसरा आदाब पढ़ेंगे, तो उसमें दूसरा आदाब है, बैतुल खला से बाहर निकलने के बाद अपने दोनों हाथ और पैर धो लेना। प्यारे बच्चों, बैतुल खला यानी वॉशरूम, वॉशरूम से बाहर निकलने के बाद आपको अपने दोनों हाथ और दोनों पैर अच्छी तरीके से धो लेने हैं। तीसरा आदाब है, बैतुल खला से बाहर निकलने के बाद दुआ पढ़ना। तीसरा आदाब क्या है कि बैतुल खला से बाहर निकलने के बाद आपको दुआ पढ़नी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।